लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हेलीकॉप्टर द्वारा नेमावर के प्रसिद्ध जैन तीर्थ सिद्धोदय क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने चतुर्मास के लिए रुके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत विद्यासागर महाराज के दर्शन लाभ अर्जित किए। लोकसभा स्पीकर के नेमावर आगमन की सूचना मिलते ही जैन समाज के लोगों द्वारा विशेष तैयारियां की गई थी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने माकूल व्यवस्था की थी। इस मौके पर इंदौर देवास विदिशिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं विधायक आशीष शर्मा मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए लोकसभा स्पीकर श्री बिरला ने कहा कि मानव दर्शन में व्यापक परिवर्तन आया है। आचार्य जी के विचारों व संस्कारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन की दिशा बनी हुई है। आचार्य श्री जी का कार्य पुण्य कार्य जिससे समाज में परिवर्तन हो अपने प्रयासों से करते हैं। गरीबों से गरीब व्यक्ति जीवन में उजाला आए ऐसे अनेक काम आचार्य जी द्वारा किए जा रहे हैं। इस दौरान संत आचार्य विद्यासागर जी द्वारा लिखी गई वह माटी का पुस्तक जो सभी सांसदों को संसद में उपलब्ध कराई जाएगी, यह भी बात की गई। इस दौरान इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे लेकर हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हिंदी भाषा से ही इस सत्र की शुरुआत हुई है, आगे भी हम इसे जारी रखेंगे। पशुधन गौशाला एवं समाज हित के कार्यों में हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे। महाराज श्री जी के दर्शन के मन काफी प्रफुल्लित हुआ है। इस अवसर पर SDM शोभा राम सोलंकी, तहसीलदार अलका एक्का, एडिशनल SP नीरज चौरसिया, SDOP निर्भय सिंह अलावा मौजूद थे। आज लोकसभा स्पीकर जी का सिद्धोदय क्षेत्र नेमावर में आगमन हुआ है और आप सबका भी आगमन हुआ है। आज हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद लेने के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, यहाँ के सांसद, देवास के सांसद, इंदौर के सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और आज आशीर्वाद लेके बहुत ही मन प्रसन्न है। जिस प्रकार से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को और हम सबको, किस प्रकार समाज में सेवा कार्य करना, बोले आप माध्यम हो समाज में सेवा कार्य करने के, या अवसर आपको मिला है सेवा काम करने के, तो ऐसा सेवा कार्य करें कि वर्षों तक आपको मानव जाति याद रखे। खास करके उन्होंने भाषा को लेकर विशेष बात कही है कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है और खास करके हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जो भाव हम अपनी मातृभाषा में प्रकट कर सकते हैं वो भाव हम दूसरी भाषा में नहीं प्रकट कर सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस जो पहला सत्र हुआ था उस पूरे पहले सत्र में एक भी शब्द अंग्रेजी का उन्होंने नहीं बोला, वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं और हिंदी में कामकाज। मानव दर्शन में व्यापक परिवर्तन आया है। आचार्य के जी के विचारों और संस्कारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन की एक दिशा बनी है और आचार्य जी कहीं पुण्य के काम जिससे समाज में परिवर्तन हो अपने प्रयासों से कर रहे हैं। आचार्य जी गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में उजाला आए, परोपकार के काम आचार्य जी के माध्यम से, उनके अनुयायियों के माध्यम से समाज के लोग कर रहे हैं। आचार्य जी इसी तरीके से जहां बच्चियों को अच्छी शिक्षा संस्कार देने का काम कर रहे हैं, गो सेवा का काम कर रहे हैं, कई सामाजिक क्षेत्रों के अंदर आचार्य जी सामाजिक सेवा का काम करने का सबको संस्कार भी दे रहे हैं, विचार भी दे रहे हैं, जिसके माध्यम से समाज में व्यापक परिवर्तन। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।